तुम हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाना चाहते हैं, और खेलों का हब तभी बनेगा जब हमारे ये होनहार खिलाड़ी ये भी सब उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएंगे और अपना दायित्व समझ करके इस युवा पीढ़ी में अधिक से अधिक और नए खिलाड़ी आगे बढ़ करके कैसे देश के लिए मेडल की टैली को बढ़ा सकते हैं। हरियाणा में हम देश में बहुत अच्छा स्थान रखते हैं, लेकिन वहीं एक विडंबना है कि हमारे देश का स्थान दुनिया में उस प्रकार का भी नहीं है। हम अभी भी 48वें स्थान पर हैं, हालांकि ये स्थान भी हमको पहली बार मिला है कि 48वां जो रैंक मिला है पहली बार मिला है, लेकिन हम यहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं। अपने देश के रैंक को और आगे कैसे बढ़ाया जाए और जो बड़ी टैली वाले जितने देश हैं उसके साथ कैसे सम्मिलित किया जाए, इसमें हरियाणा अपनी भूमिका निभाएगा। और हरियाणा को भूमिका निभाने में हमारे जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा जैसे, ये ज़रूर उसमें अग्रसर होकर के और सहयोगी बनेंगे। मैंने एक ऑफर की है हमारे नीरज चोपड़ा जी को कि हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ओलंपिक्स फॉर एथलेटिक्स ये हम यहाँ स्थापित करना चाह रहे हैं पंचकुला में, और उसको नीरज चोपड़ा जैसे होना खिलाड़ी उसको लीड करेंगे, उसकी हेडशिप ये करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ होगा। और मैं समझता हूँ कि मेरी इस अपेक्षा के ऊपर ये पूरा उतरे, ऐसा मैं इनसे निवेदन भी करता हूँ। तो आज पुनः नीरज चोपड़ा के आने पर पूरे खेल जगत को, पूरे अपने देश की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। ज़्यादातर तो खेल के बारे में बात हुई और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं तबीयत खराब होने की वजह से 13 को जो सम्मान समारोह था उसमें पहुँच नहीं सका था, तो मेरे मन में काफ़ी था कि मैं, क्योंकि हरियाणा मेरा स्टेट है और मैं सबसे पहले कहीं भी जहाँ पे भी सम्मान हो रहा है सबसे पहले मैं सोच रहा था कि हरियाणा में सबसे पहले जाऊँगा, सर से मिलूँगा। तो वही था कि तबीयत की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी तबीयत ठीक है जी। बिल्कुल, मैं आर्मी में बात करूँगा और खेल के लिए मैं वही सोच रहा हूँ कि खेल के लिए पहले तो मुझे खुद अभी खेल करना है, और मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है कि मैं इस बारे में सोच सकूँ। तो मैं बिल्कुल, जो मुझे ये मिला है तो मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान दूंगा कि मैं हरियाणा और इंडियन स्पोर्ट्स को ऊपर उठा सकूं। अगला टारगेट अभी अगले साल मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स है, तो उसमें पूरा अपना मेहनत करके उसमें मेडल लेके आने की। बस प्रधानमंत्री जी से भी वही खेल के बारे में बात हुई और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक एक एथलीट से और एक एक स्पोर्टिंग स्टाफ से बड़ा बहुत ज़्यादा टाइम दिया और सबसे बात की, सिर्फ मेडलिस्ट से नहीं, जो वहाँ पे गए थे किसी कारण से अच्छा नहीं कर पाए उनको भी मोटिवेट किया, और सर से भी आज मिला तो काफ़ी एक बात अच्छी लगी कि जो हमारी इंडियन वुमेन हॉकी टीम थी वहाँ पे उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, कहीं ना कहीं वो उनको ज़रूरत थी जो सम्मान की, उनको स्पेशल सम्मान सर ने दिया, तो एक ये बहुत ही अच्छी बात है खिलाड़ियों के लिए कि उनको एक मोटिवेशन ये मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो भी टूर्नामेंट्स या गेम्स होंगे तो उनमें उनका रिजल्ट और अच्छा होगा।